Friends, welcome back to my channel again. I'm back with a new reaction video, and today I'll be reacting on a song, and this is a requested song, by the way. The name of the song is Bewafa Sanam from by ASB Musical. So, chalo, without wasting any time, let's check the video also. Let's start. कुछ समय के बाद ही तुम्हारा फांसी होने वाला है। अगर तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो तुम बोल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं आपको अपना कहीं नहीं बता के जाऊँ। बस इतना ही चाहते हो? मुझे एक गिटार चाहिए अपना कहीं नहीं बताने के लिए। ओके, तुम बोलना शुरू करो, मैं गिटार लेके आता हूँ। Thank you.
मैंने एक मर्डर किया है, अरेस्ट मी। I didn't think at first this song would be like this, but the song is really, really, really very nice. Videography is not a videography, and editing skill is not to that level. To जो मतलब जितना हम लोग सोचते हैं ना कि videography and editing वो उस level में होगा, वैसा नहीं था. Minimal रखा था उन लोगों ने. वो सब फालतू का मतलब खर्चा नहीं किया है, जैसे ड्रेस में, ये इसमें, वो सब में, ऐसा नहीं है. मतलब गाने से आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट द सिंगर इज ट्राइंग टू से एंड क्यू ही डिड दैट. एंड मुझे लगता है कि देखो, अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर. ठीक है, तुम जितना भी कहो कि शायद कि कुछ कुछ के लिए, मतलब कुछ चीज के लिए शायद उसने कुछ गलती किया है. ही डिड दैट, ही डिड अ गुड थिंग दैट ही किल्ड दैट लेडी, बिकॉज वो शायद अगर ये अगर शायद इसको माफ कर देता है तो बाद में फिर से वो सेम चीज ही करता. सो या द बेस द मतलब समझ में आ रहा है कि व्हाई डिड ही किल्ड. एंड वो इतना मोहब्बत करता था फिर भी ही शी इज अ बेवफा. एंड द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग इज ऑल्सो वेरी क्लियर, सो वी कैन अंडरस्टैंड वॉट यू वॉट द सिंगर इज ट्राइंग टू से टू अस. एंड या द वॉइस ऑफ द सिंगर इज वेरी नाइस. आई डोंट नो द नेम ऑफ द सिंगर. लिरिक्स, गिटार, म्यूजिक, सिंगर, अच्छा विश्वरूप मतलब शी इज ही इज अ शायद बंगाली सिंगर. अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, मुझे सुन के तो बहुत अच्छा लगा. मैंने पहले ये गाना नहीं सुना था, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग. बहुत अच्छा लगा. एंड टू माय सब्सक्राइबर्स हु टोल्ड मी कि आई एम टेलिंग हिज नेम इज हुगो एज पर दी वो जो नाम लिखा हुआ रहता है वहाँ पे लिखा हुआ हुगो के नाई एस्पेना रोमेरो. गाइस सी लिसन, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, मेरे पास रहता है रिक्वेस्ट, मैं देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ वो रिक्वेस्ट के ऊपर रिएक्शन देने के लिए, लेकिन हर टाइम नहीं होता है. बहुत रिक्वेस्ट मेरे पास रहता है. आप अगर आज कहोगे ना, इमीडिएटली मैं कर नहीं सकती. आप देखोगे 2-3 महीने का पुराना भी रिक्वेस्ट मेरे पास अभी तक रहा है, अभी तक है. आई हैवेंट मतलब मेरे पास मैंने अपलोड नहीं किया है, या फिर अपलोड करने जाती हूँ तो यूट्यूब में कभी कभी बैन भी लग जाता है कि ये वीडियोस अपलोड आप नहीं कर सकते. तो बहुत सारा रिक्वेस्ट है, पुराना भी बहुत सारा रिक्वेस्ट है जो कि मेरे पास रहता है. तो आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट. आपके लव और सपोर्ट के लिए ही जितना भी अभी मेरा सब्सक्राइबर्स बेस जितना भी बढ़ा है, आप लोगों के लिए बढ़ा है. लेकिन आप लोगों को भी समझना होगा कि मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए ये रिक्वेस्ट के ऊपर काम करने के लिए. आज अगर आप कहोगे मैं 2-3 दिन में बना के नहीं देख सकती, क्योंकि और भी बहुत लोग हैं, और भी बहुत सारा मेरे सब्सक्राइबर्स है जिन लोगों ने मुझे भी रिक्वेस्ट करके रखा है कि गाना लेके आने के लिए, मेल किया है, देन जब कमेंट में आप पढ़ सकते हो, कमेंट में भी किया है. तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका गाना पे ऊपर मैं रिक्वेस्ट नहीं बनाऊंगी, आई विल डू इट, बट थोड़ा सा पेशेंस चाहिए प्लीज़. एंड थैंक यू फॉर ऑल योर कोऑपरेशन. ऐसे कमेंट करते रहिए. आई विल ऑब्वियसली, डोंट वरी, ऑब्वियसली आई विल मेक श्योर कि आपके गाने पे ऊपर मैं रिएक्शन दूँ, ठीक है. सो डोंट वरी एट ऑल.
आई विल अपलोड दिस वीडियो बाय टुमारो. ओके सो बाय बाय एंड हैप्पी छठ.